लोग तो कोई दिख नहीं रहे मुझे। सुबह ही अभी हमें एक अंकल मिले, इनसे करते हैं बात। पहले जो हमें रोड पे दिखा हुआ कि मजबूरी, तो जो इतनी तो भाई यहाँ पे कोई अंकल आग सेक रहे हैं, इनसे पूछ चिड़ी में रहते हैं। तो यार अंकल के पास आओ चाय पीने, तो यार ताकि उनको अर्न हो सके मनी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह ही सुबह के बज के हैं 5। तो यार आज की वीडियो में मैं सोच रहा था कि रोड पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं अभी सुबह उठे होते हैं और कौन कौन से लोग जो हैं हमें रोड पे मिलते हैं, तो उनसे करते हैं बात और दिखाते हैं आपको। सो मिलवाते हैं आपको फिर उन लोगों से। सो भाई मैं निकल चुका हूँ घर से, तो यार देख सकते हो आप अभी भी कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो यार अभी तो मुझे मिला नहीं कोई रोड पे, तो देखते हैं आगे जाके और कोई मिलता तो आपकी बात करवाते हैं उससे। सो भाई अभी हमें एक अंकल मिले, इनसे करते हैं बात। नमस्ते अंकल जी, किधर चले हो? काम नहीं चले आपने? रोज इन्नी एला ही अंदर सवेरा है, मन करी जंदा उठने का? क्यों नहीं करना, ड्यूटी जाना है। तो जेडे लोग सुते दे उन्हें के मैसेज देगे हो? नहीं उठना ज्यादा, मतलब सैर सूर करना ही है, इहदी सैर करने नाल सेहत ठीक रहिंदी, अच्छी रहिंदी। और थैंक यू अंकल, थैंक यू। सो भाई वो अभी आपने देखा कि अंकल से बात की हमने, वो कह रहे हैं कि यार हमारी मजबूरी है, सवेरे ड्यूटी जाना है। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि सबसे पहले जो हमें रोड पे दिखा हुआ कि मजबूरी, तो जो इतनी सुबह उठता है सबसे पहले तो यार कोई मजबूर इंसान ही उठता है, तो देखते हैं आगे जाके कोई और मिलता है हमें। तो भाई यहाँ पर कोई अंकल आग सेक रहे हैं, इनसे पूछते हैं ये इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सो तो चलो मिलाते हैं आपको अंकल के साथ। नमस्ते अंकल जी, क्या हाल है? बड़ी सवेला सवेला आई है, किधर है? कौन कौन आंदा चाह पीन तुंदे कोल सवेरा सवेरा? गुजारा हो जाता रेडी पर। किन्ने बजे दुकान बंद करते अंकल? शामी 5:30 बजे। कल होंगे इतने काम पर या कोई और भी करता उनकी मदद? अच्छा, एक कुत्ता भी तुम्हें रखे था? सही गल है यार, इंदा भी कोई नहीं है अगे पिछे। ड्राइवर शराब रांदे होने तुंदे कोल चाह पीना ना सवेरे सवेरे? अच्छा, चलो ठीक है अंकल जी, सेको तुसें अग फिर। सो तो गाइज यार जिस अंकल से मैं अभी बात कर रहा था, तो उनकी यहाँ पे छोटी सी चाय वाली रेडी है। तो यार मैं उनसे डोगरी में बात कर रहा था, जिनको नहीं समझ आई है मैं उनको बता देता हूँ कि वो क्या बोल रहे थे। तो यार मैं उनसे पूछ रहा था कि वो क्या काम करते हैं, तो बता रहे थे कि उनकी चाय वाली रेडी है यहाँ पे और वो सुबह 4 बजे आ जाते हैं यहाँ पे। तो बता रहे थे कि यार उनकी एक लड़की है बस, उनकी घर वाली है, काफ़ी गरीब है वो। तो कह रहे थे कि यार अभी तक सुबह से 10 रुपये भी नहीं उन्होंने कमाए हुए हैं, तो शाम तक वही कह रहे थे कि यार वही मतलब 200-300 रुपये ही कमा पाते हैं वो। तो यार जो भी हमारे इलाके में यहाँ पे जीडी में रहते हैं, तो यार अंकल के पास आओ चाय पीने, तो यार ताकि उनको अर्न हो सके मनी। तो यही कहूँगा यार मैं कि सुबह यार अभी तक तो मुझे 2 इंसान मिले हैं, एक पहले अंकल थे जो ड्यूटी पे जा रहे थे, तो वो भी उनकी मजबूरी या आप डेडिकेशन समझ लो। तो दूसरे यार ये अंकल मिले हैं तो जिनकी चाय वाली रेडी है एक छोटी सी, तो वो भी कह रहे हैं कि यार मजबूरी है, उठना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती है, तो कह रहे थे कि यार मजबूरी है, उठना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं अपना घर चलाने के लिए। तो यही है यार, मजबूरी उठती है। अब देखते हैं आगे जाके और कौन मिलता है हमें। सो गाइस अभी रास्ते में हमें चलते चलते के अंकल और आंटी मिले हैं, तो उनसे भी करते हैं बात, अगर वो करते हैं तो दिखाता हूँ आपको। जी बड़ी सवेला फेला चक्कर ला दे, कुधर घूमा दे? रोज ही टाइम पर उठते हो? तो भी अंकल जी या तो हाँ लेट उठते होंगे? तो रोज चक्कर लाते लगता सवेरे? तद लोग हाली भी सुते होने? तो उन्हें क्या आखना जागे हो?
पुराने जमाने उठते हो गयो पहले काम हो डंगर डूंगर रखे रखे डे पालदे नी हैन गोवा डंगर उन्हें के आखना चाहगे तुसीं सही गल अजकल नहीं तो पानी गै लभदा 60 रुपए किलो डंगर रखिए रोज चक्कर ला करो सेहतमंद रहो तुंदे ने बुजुर्गे बड़ी जरूरत है साडे देश की ठीक है अंकल जी लाओ फिर तुम चक्कर। सो तो गाइस सुबह सुबह मैंने पूरा रोड घूम लिया यार। तो जितने भी लोग मिले यार सबका यही बोलना है कि यार जहाँ तो किसी की मजबूरी है या कोई डेडिकेटेड है अपनी सेहत को लेके या किसी की मेहनत है यार तो यही है तीन ही चीज़ें उठाती है बंदे को सुबह यार या कोई मेहनत ही होता है या कोई डेडिकेटेड होता है या फिर किसी की मजबूरी होती है। तो यार जो हमें अंकल और आंटी मिले यार उनको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ हूँ कि वो इतनी एज होगी उनकी लेकिन फिर भी वो 4 बजे उठ जाते हैं। तो हमारा जितना भी यूथ है यार उसको भी चाहिए कि वो सुबह 4 बजे उठ जाए 5-4 नहीं तो यार 5 बजे उठ जाओ इतनी सर्दियों में। तो कम से कम अपनी सेहत का ध्यान रखो यार सुबह रनिंग करो वर्कआउट करो ताकि सेहतमंद रहे हम। तो यही बोलूँगा यार इसके साथ ही अपनी वीडियो को करते हैं एंड लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो।